Hello, good morning, dear student. In the previous lecture, we have to seen that about the controlling torque, deflecting torque, and damping torque. So, in the brief, we will discuss about the spring control. So, spring control basically आपका वह control होता है जिसमें हम controlling torque जो हमारा होता है, controlling torque basically होता क्या है? वह torque जो आपके पॉइंटर को जीरो की पोजीशन में लाने की कोशिश करता है उसको हम कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। डिफिनेशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को पहले देख के आइए, तभी आपको यहाँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। तो जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल होता है इसमें हम जो है कि दो स्प्रिंग का यूज करते हैं। जनरली जो आपकी स्प्रिंग होती है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग का हम जनरली यूज करते हैं ज़्यादातर हम अपने इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन हम इसमें यूज कर सकते हैं किसका, जो है कि सिल्कन ब्रॉन्ज हो गया या जो है कि जर्मन सिल्वर हो गया, हम इनका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, अगर हम इन मटेरियल से बनी हुई स्प्रिंग का यूज करें तो वो भी हमारे लिए प्रेफरेबल होगा, लेकिन हम जो है जनरली यूज करते हैं किसका, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। ठीक है, तो स्प्रिंग कंट्रोल वह कंट्रोल होता है जिसमें हम कंट्रोलिंग टार्क, मतलब वह टार्क जो जीरो की पोजीशन में लाने की कोशिश करता है उसको हम स्प्रिंग के थ्रू जो कि प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्प्रिंग होती है इसका जो इंड पोर्शन होता है इसको हम स्पाइंडल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपका इंड पोर्शन कहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर स्पाइंडल से, ये आपका स्पाइंडल है, इस पर आपका ये किस पे है, एक पोर्शन आपका स्प्रिंग का इसके स्पाइंडल फिक्स है, जैसे आपका ये इस तरीके का हो गया कर्ल फॉर्म। ठीक है, अब आपका फोर्स लगेगा तो आपका ये डिफ्लेक्टिंग टार्क इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, फिर जब जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हटा लेंगे, सप्लाई को हटा लेंगे, तो फिर ये जो है कि इसको जीरो की पोजिशन में ला देगा। यहां से पहले कुछ इस पोजिशन रहेगी, फिर इसको जीरो की पोजिशन में इसको ला देगा। तो ये स्प्रिंग जो है कि इसमें इस पोर्शन पर आपकी क्या होती है, फिक्स की रहती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है कि हम इंसुलेशन भी लगाते हैं। कई बार जो है कि हम क्या करते हैं, स्प्रिंग जो कंट्रोल है इसमें हम जो सप्लाई यूज करते हैं, इस सप्लाई जो लाते हैं इसके थ्रू ही लाते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें हम जो है कि सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ये आपका इसमें फिक्स होता है, ये आपका पॉइंटर है, पॉइंटर भी आपका स्पैंडल फिक्स होता है। यहाँ पर जो बेयरिंग यूज की जाती है ये आपकी ज्वेल बेयरिंग यूज की जाती है। ठीक है, और ये वियरिंग आपकी फ्रिक्शन फ्री होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक आपका बैलेंस वेट की छोटा सा, आप देखते हैं कि जो आपका पॉइंटर होता है उसमें एक स्मॉल सा वेट भी रखा होता है जो इस पॉइंटर को क्या करता है, बैलेंस किया रहता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बैलेंस वेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है, ये आपका पॉइंटर के ऊपरी हिस्से के नीचे ही जो है कि हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग स्प्रिंग का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो हेयर स्प्रिंग का यूज करते हैं जो अटैच होती है किससे, मूविंग सिस्टम से। मूविंग सिस्टम क्या है, आपका स्पाइंडल है, स्पाइंडल क्या करता है, आपका मूव करता है। जब आपका स्पाइंडल मूव करेगा तो आपका पॉइंटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं, इसमें जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो आपकी स्प्रिंग नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, मतलब उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है कि फ्री फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस वो बहुत ही कम होना चाहिए, शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब जितना कम से कम हो सके इसका रेजिस्टेंस कम रखा जाए। और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सफिशियंट होना चाहिए एज योर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए किसका, स्प्रिंग का। ठीक है, इट शुड हैव द लो टेम्परेचर कोफिशियंट, इसका जो है कि टेम्परेचर कोफिशियंट भी आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर कोफिशियंट कम होगा तो कहीं पर आपका टेम्परेचर जब वेरिएशन आता है, ये आपका टेम्परेचर इरर आपके स्प्रिंग कंट्रोल में आता है कि जो आपके स्प्रिंग कंट्रोल है उसमें कौन कौन से क्या आपकी इरर्स आती हैं, तो आपका एक टेम्परेचर इरर्स भी आपकी इसमें आती है। कई बार जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका टेम्परेचर कोफिशियंट आपका कम होना चाहिए, जैसे कि आपका टेम्परेचर के घटने बढ़ने पर कोई इफेक्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट पर ना पड़े। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि जो कंट्रोलिंग टार्क है उस पर आपका कोई इफेक्ट ना पड़े। मेट किस चीज़ का बनाया जाता है, तो सिल्वर ब्रॉन्ज का और जर्मेनियम सिल्वर का, या आप जो है कि फॉस्फोरस
फॉस्फर ब्रांच की ही ये बनाई जाती है ज़्यादातर हमारे इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो ये कुछ जो है कि आपकी बातें हैं किसकी, स्प्रिंग कंट्रोल की। तो स्प्रिंग कंट्रोल में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जो आपका कंट्रोलिंग टारगेट टीसी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के। ठीक है, थीटा क्या है, आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, थीटा आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। तो एट इक्विलिब्रियम, और इसमें आपका जो कंट्रोलिंग टार्क, ये आपका टी डी होता है, जो पॉइंटर को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। ये आपका होता है टी सी, जो इसको इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। तो जो आपका थीटा है, थीटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी डी आपका आई। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आप कहते हैं कि टी सी इक्वल टू टी डी, टी सी इक्वल टू आपका क्या होगा टी डी। तो आप इन दोनों से आप ये कहेंगे क्या टी डी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब ये है कि आपका जो ये करंट, जितनी इसके इसके कॉयल में जितनी आप करंट पास कराएंगे, उसी हिसाब से इसमें क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि आपसे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछता है कि जो स्प्रिंग कंट्रोल होता है उसकी स्केल कैसी होती है। तो उसकी स्केल आपकी लीनियर होती है, और जो आपका ए वी रिलेशन कई बार पूछता है कि जो करंट है, जो सप्लाइड करंट है, उसमें उसके किसके बीच, थीटा के बीच, साइन थीटा के बीच, कॉस थीटा के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसमें जो रिलेशन होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, कितना आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो है कि आपका उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कुछ आगे जब पढ़ेंगे, हमारा जैसे एमीटर आएगा, वोल्ट मीटर आएगा, वाट मीटर आएगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हम कहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल का यूज कर रहे हैं, और कहाँ पर हम जो है कि ग्रेविटी कंट्रोल का यूज कर रहे हैं, और कहाँ पर जो है कि हमारे जो डैम्पिंग टार्क होते हैं, जैसे आपका एडी करंट डैम्पिंग, और आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और आपका जो है कि फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो जहाँ पर हमको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी जो है कि कंट्रोलिंग टार्क या डैम्पिंग टार्क को हम प्रीफर करेंगे, जो प्रिफरेबल होगा उसी का ही यूज करते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं कि ग्रेविटी से, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी, हम जो है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टार्क कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल सा मान लीजिए आपके पास एक कोई पॉइंटर है। ठीक है, ये आपका पॉइंटर है, ये आपका स्पाइंडल है, और ये आपका पॉइंटर, ये आपका पॉइंटर, ये आपका स्पाइंडल पे आपका पॉइंटर कनेक्ट है, ये आपका स्पाइंडल हो गया, एक आपका पॉइंटर हो गया। ये आपका पॉइंटर पर ही बैलेंस वेट लगा रहता है, ताकि आपका जो पॉइंटर है वो, कई बार आप देखते हैं कि जब आपकी जो डिस्प्ले होती है उसमें आपका पॉइंटर नीचे की तरफ दब जाता है, और उस पर जो है कि फ्रिक्शन कर रहा होता है। तो इसको जो है कि बैलेंस करने के लिए ही पॉइंटर में हम क्या करते हैं, इस साइड हम एक बैलेंस वेट को अटैच कर देते हैं, जिससे हमारा पॉइंटर क्या रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके, और इसमें हम जो है कि कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हैं, ग्रेविटी से। मतलब ग्रेविटी का मतलब ये है कि आप कोई भी वेट हैंग कर दीजिए, और उसके बेसिस पे अगर आपको कंट्रोलिंग प्रोवाइड हो रही है, तो वो आपका ग्रेविटी कंट्रोल कहलाता है। अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेविटी के थ्रू अपने इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टार्क को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास स्केल है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है स्केल की, और ये आपकी फाइनल पोजीशन आपका स्केल का है। ठीक है, और ये आपका डिफ्लेक्टेड पोजीशन है। तो मान लेते हैं जब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क इस पर लगा, तो ये जो है कि थीटा एंगल इसको इसको मतलब पॉइंटर को क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। जब इस पर डिफ्लेक्टिंग टार्क ये टी डी इस पर लगा, तो कितना डिग्री इसको डिफ्लेक्ट किया, थीटा डिग्री डिफ्लेक्ट किया। ओके, तो ये थीटा आपका क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि आपका कितना डिग्री ये आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ। तो जब आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, तो इस पर हम, और ये आपको जब जीरो की पोजीशन में लाएगा इसको, पॉइंटर को, तो जीरो की पोजीशन में लाने के लिए जो आपका टार्क लगता है वो कंट्रोलिंग टार्क होता है। ठीक है, वो आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है। तो कंट्रोलिंग टार्क
हम जो है कि दो तरीके से जैसे करते हैं, एक हमारा ग्रेविटी कंट्रोल और एक हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में हमने देखा कि स्प्रिंग का हम जो कि दो स्प्रिंग एयर स्प्रिंग का यूज करते हैं जो स्पाइंडल पे एक जगह फिक्स रहती है और दूसरी जगह से हम सप्लाई देते हैं। तो जब भी हम उसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग टार्क उसको डिफ्लेक्ट करता है। फिर जैसे ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम रिमूव कर लेते हैं तो पॉइंटर आपका जीरो की पोजिशन पर क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो जीरो की पोजीशन पे शिफ्ट करने के लिए हमको जो कि कंट्रोलिंग टार्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो है कि जब आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो आपका ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिमूव कर लेंगे तो आपका पॉइंटर क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ जो है कि शिफ्ट होना चाहिए, जीरो की पोजिशन पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका काम किस तरीके से करता है। मान लेते हैं ये जो हमारा वेट इस पे हैंग किया गया है, ये हमारा कंट्रोल वेट है, ये हमारा बैलेंस वेट है जो पॉइंटर को बैलेंस किया रहेगा, और ये आपकी स्केल होती है। तो कंपटीशन में आपका क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि जो ग्रेविटी कंट्रोल है उसकी स्केल कैसी होती है। तो इसकी जो स्केल है वो आपकी नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म या क्रैम्ड स्केल होती है। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, जो आपका थीटा है, सॉरी जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, ये आपका क्या होता है, साइन थीटा के। ठीक है, या जो भी करंट क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं ये आपका इसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके, साइन थीटा के। ठीक है, तो देखिए ये आपका वर्क कैसे करता है। जैसे जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो ये आपका डिफ्लेक्शन शो किया, जैसे क्वांटिटी को हटाएंगे तो ये आपका नीचे की तरफ कैसे आपका आता है। तो इसके लिए आपका ये जो वेट है इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं। जैसे ये आपका वेट ये है और ये आपका पॉइंटर कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं। ठीक है, इसके मान लीजिए आपका ये थीटा डिग्री जो है कि डिफ्लेक्शन शो किया, ये आपका डब्लू वेट है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इधर आएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट डब्लू कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आएगा, डब्लू साइन थीटा। ठीक है, डब्लू साइन थीटा। तो आप यहाँ से कहते हैं कि जो कंट्रोलिंग टार्क है, कंट्रोलिंग टार्क ये आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके, क्योंकि यही वाला वेट क्या करेगा, उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब आपका पॉइंटर यहाँ तक डिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक, अब आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रिमूव कर लिए, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आप रिमूव करेंगे तो आपका पॉइंटर जीरो की पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो इसको जीरो की पोजीशन पर लाने के लिए ये आपका वेट वर्क करेगा। ठीक है, ये वेट आपका वर्क करेगा। तो ये आपका कंट्रोलिंग टार्क है टी सी जो इसको इधर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपका बैलेंस वेट जो जिसका साइन कंपोनेंट जो है कि इसको बैलेंस करेगा। तो आप यहाँ से कहेंगे क्या, टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू साइन थीटा, या टी सी इक्वल टू आप कहेंगे क्या के कोई कांस्टेंट ले लीजिए और डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, आपको यहाँ से मिलेगा के इक्वल टू के सॉरी टी सी इक्वल टू के डब्ल्यू साइन थीटा। और जब आपका ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो आप कहते हैं टी सी इक्वल टू टी डी, जहाँ टी सी आपका कंट्रोलिंग टार्क, टी डी आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क, ये आपका एट इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका ऐसा होगा। ठीक है, तब आप टी सी इक्वल टू कहेंगे क्या साइन थीटा, और टी डी इक्वल टू आप कहते हैं टी डी आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है किसके, आई के। तो यहाँ से आप कहेंगे क्या, और टी सी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन थीटा यहाँ से। तो तब आपको मिल जाएगा जो आई है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन थीटा। तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ता है, जैसे आपकी स्केल कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है, और जो किसी क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं वो कितना जो है कि डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो आपका साइन थीटा के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे एडवांटेज क्या है कि इसका इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये ग्रेविटी कंट्रोल है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप अगर किसी
ऐसे प्लेस पे ले जाएं जहां पर जी की वैल्यू कम है, तो वहां पर जो है कि आपका जो कंट्रोलिंग टार्क है वो कम लगेगा, ठीक है। और अगर कहीं ऐसे प्लेस पे ले जाते हैं जहां जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वहां पे कंट्रोलिंग टार्क आपका बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मतलब जब आपका कंट्रोलिंग टार्क ज़्यादा लगेगा तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम शो करेगा। करंट की वैल्यू मान लेते हैं आपका जो मीटर बनाया गया वो अमीटर है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्लेस पे ले जाते हैं जहां पर जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जब जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो कंट्रोलिंग टार्क आपका ज़्यादा होगा। तो अगर अगर आप कहेंगे क्या टी सी इज ग्रेटर देन टी डी, तो आपका पॉइंटर क्या करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये कब और कहाँ होगा, जहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, जहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पर टी सी आपका क्या होगा, कम होगा। जब टी सी आपका कम होगा तो टी सी इज लेस देन टी डी, तो आपका पॉइंटर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब आपकी जो करंट की वैल्यू कम होते हुए भी डिफ्लेक्शन आपका ज़्यादा शो कर रहा है, और करंट की वैल्यू कम होने पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर रहा है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होने पर भी ये डिफ्लेक्शन कम शो कर रहा है, मतलब आपका इरर आ रहा है। तो ये कुछ इरर्स आती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, इसको हमेशा वर्टिकली यूज करते हैं और इसको लेबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे इससे रीडिंग आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी। इन दो चीज़ों से आपको पता लग गया कि इसकी जो रीडिंग है एक्यूरेट नहीं मिलेगी, और इसको हम क्या करते हैं वर्टिकली यूज करते हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है इसका, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है और टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सस्ता होता है और सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। कंट्रोलिंग टार्क वेरीड विथ कंट्रोल वेट, कंट्रोल वेट को आप वैरी कराएंगे तो आपका जो है कि कंट्रोलिंग टार्क क्या करेगा, वैरी करता रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होगी। तो जैसे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ये आपका है क्या, ये आपका स्पाइंडल पे कंट्रोल वेट है, ये आपका बैलेंस वेट है, ये आपका पॉइंटर है, ये आपका जो है कि डिफ्लेक्टेड पोजीशन ऑफ पॉइंटर है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप मेजर करेंगे तो कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब डिफ्लेक्शन शो करेगा तो किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या करेगा, आपका डिफ्लेक्ट होगा पॉइंटर। तो फिर जैसे ही क्वांटिटी को रिमूव करेंगे तो वो जो है कि जीरो की पोजीशन में आना चाहिए। तो जो टार्क इसको जीरो की पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है उसको ही हमको कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। तो कंट्रोलिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेविटी से, तो यहाँ पर हमने जो है कि उसको इस तरीके से देखा था इसके कंपोनेंट के बेसिस पे, इसको हम जो है कि कंपोनेंट में ब्रेक किए तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट मिला क्या, ये डब्ल्यू साइन थीटा। तो यही आपको कंट्रोलिंग टार्क क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम देखें कि जो है कि हमारा किस तरीके से कंट्रोलिंग टार्क वर्क करता है। तो कंट्रोलिंग टार्क जो है कि उतना अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू स्प्रिंग कंट्रोल, क्योंकि स्प्रिंग जो है कि कंट्रोल जो है वो इजी होता है, ठीक है, और उसका जो कॉम्पैक्ट साइज होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटी कंट्रोल। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम स्प्रिंग कंट्रोल को प्रीफर करते हैं। तो हम आगे भी देखेंगे कि स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल में क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके बाद जब भी हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, अमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, तो फर्दर हम जो लोग जो है कि स्टडी करेंगे किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर, और वहाँ पर हम जो है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, आपका जो है कि एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट और आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करने के बाद जो है कि हम लोग मूव ऑन करेंगे किसके तरफ, वाट मीटर की तरफ, और इसके बाद हम लोग जो है कि फर्दर मूव ऑन करेंगे किसके बारे में, एनर्जी मीटर के बारे में, ओके। तो जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल होता है उसमें जो कंट्रोलिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्लेक्शन के, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा के, मतलब थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है उसमें कंट्रोलिंग टार्क साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल है इसमें इसकी जो स्केल होती है ये आपकी यूनिफॉर्म स्केल होती है। कैसी स्केल होगी, यूनिफॉर्म स्केल होती है स्प्रिंग कंट्रोल की। और जो आपका ग्रेविटी कंट्रोल है उसकी जो स्केल है वो आपकी क्रैम्प्ड होती है, या तो आपका नॉन लीनियर
या नॉन यूनिफॉर्म आपकी स्केल होती है, नॉन स्केल या क्रैम्प्ड। और जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल है ये आपको एक्यूरेट रीडिंग देता है, क्योंकि आपका जो स्प्रिंग कंट्रोल है इसकी जो स्प्रिंग होती है उसकी स्टिफनेस अच्छी होती है, इसका टेम्परेचर पर इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, क्योंकि हम ऐसा मटेरियल प्रीफर करते हैं जो जिसका स्टिफनेस ज़्यादा हो और उसका टेम्परेचर पर इफेक्ट कम पड़े और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट कम पड़े। तो इसलिए आपका जो स्प्रिंग कंट्रोल है ये आपको एक्यूरेट रीडिंग देता है, लेकिन ये आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। क्यों नहीं एक्यूरेट रीडिंग देता है? इसलिए क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जहाँ पर जो है कि ग्रेविटी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो इसलिए क्या होगा कि ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होने के कारण इसकी जो एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाती, कहीं पे कुछ रीडिंग मिलेगी कहीं पे कुछ रीडिंग मिलेगी। जैसे आप नॉर्थ पोल पे चले जाइए तो वहाँ पे जो कि अगर आप ग्रेविटी कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट को ले जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी की वजह से आपकी जो रीडिंग कुछ और मिलेगी, जो है कि आप किस पे इक्वेटर पे चले जाइए तो वहाँ पर ग्रेविटी आपको कुछ और मिलेगी। तो इसलिए ये आपका जो ग्रेविटी कंट्रोल है इसकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। नेक्स्ट, इट्स सेंसिटिविटी हाई, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हाई है होती है, और जो आपका ग्रेविटी कंट्रोल है वो आपका लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, आपका जो इसकी सेंसिटिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू स्प्रिंग कंट्रोल। और सिंपल रिगिड एंड कॉस्टली, तो सिंपल सी बात है, आपका जो स्प्रिंग कंट्रोल है छोटी सी स्प्रिंग लगेगी, और जो ये आपका बहुत ही सिंपल होता है और ये आपका बहुत ही मजबूत होता है, और इसकी जब कोई भी चीज़ बहुत अच्छी है उसकी एफिशिएंसी हाई है तो सीधी सी बात है उसकी कास्ट हाई होगी। इसकी कास्ट क्या होती है? हाई होती है। और ये जो है कि सिंपल भी, सिंपल तो होता है ग्रेविटी कंट्रोल लेकिन सस्ता भी होता है, और ये जो है कि कास्टली नहीं होता है, ठीक है, ये सिंपल और चीप और कास्टली नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्रिंग कंट्रोल में नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलिंग, मतलब आप जो है कि इस स्प्रिंग कंट्रोल जब कहीं भी यूज करेंगे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे आपका कोई जो है कि बोर्ड माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में भी यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन इसका यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर पर्टिकुलर एक लेवल की रिक्वायरमेंट होगी। आप इसका यूज हमेशा वर्टिकली करते हैं क्योंकि वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, ओके। नेक्स्ट, मोस्टली यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि हमने बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल है और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, बोर्ड माउंटेड इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है, रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि इसको जहाँ भी यूज करेंगे हम वर्टिकली यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि और भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो इतने आपको अप्रॉक्सीमेटली 7-8 पॉइंट हैं, इतने पॉइंट जो आपके जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आपका बेनिफिशियल है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कंपटीशन में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। जैसे आपका पूछ लेगा कि जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल है उसकी स्केल कैसी होती है, तो यूनिफॉर्म, और इसकी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी स्प्रिंग कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा होती है किससे, एज कंपेयर टू ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। और कई बार कंपेरेटिवली कास्ट पूछता है किससे, ग्रेविटी कंट्रोल से कंपेयर करके, कि इसकी जो है कि कास्ट हाई होती है कम होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। और आपका लेबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है किस इंस्ट्रूमेंट में, तो ग्रेविटी कंट्रोल में लेबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो टार्क, कंट्रोलिंग टार्क होता है, ये आपका फिक्स्ड होता है, क्यों, क्योंकि आपका स्प्रिंग कंट्रोल है, ठीक है, स्प्रिंग का एक जो है कि पर्टिकुलर स्टिफनेस होगा, टेम्परेचर की जो है कि बेयरिंग कैपेसिटी होगी, और जो आपका ग्रेविटी कंट्रोल है ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के बेसिस पे आपका वेरी करता रहता है, ओके। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहे थे किसके बीच, ग्रेविटी कंट्रोल एंड आपका स्प्रिंग कंट्रोल। तो आई होप कि इस लेक्चर में जो भी आपको कंटेंट मिले आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, सो थैंक यू टू योर स्टूडेंट।